राइस एक्सपो व्यापार मेला का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री व भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रदेश व देश के राइस मिलर और एक्सपो में भाग ले रही कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एक्सपो में अलग अलग तरह के स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर फसलों को काटने छाटने साफ करने की मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्वांचल राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बताया। नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ के लोग आए हुए हैं और मेरठ से भी लोग, सहारनपुर से भी लोग आए हुए हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि जो लेटेस्ट कंपनियों द्वारा हाईटेक मशीनें बनाई गई हैं कुछ का उसका प्रचार प्रसार और उस कंपनियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर इसका इंस्टॉलेशन हो, व्यापारी इसमें रुचि लें और उससे जो मिनिमम लागत में अधिक से अधिक आउटपुट दिया जा सका, इसका मुख्य उद्देश्य। कल कोई कार्यक्रम? कल हम लोगों का वार्षिक अधिवेशन है पूर्वांचल राइस मिल एसोसिएशन का। कल पूरे प्रदेश के राइस मिलर उस एसोसिएशन में और उस सम्मेलन में भाग लेंगे। निश्चित रूप से किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिलने की व्यवस्था अगर सही मायने में करिए तो ये जो बड़ी बड़ी मिलें जो आती हैं ये अच्छा किसानों को धन भी देती है और इससे जो मिलें हमारी स्थापित होंगी आने वाले समय में, अगर इन यूनिट्स पर और इनके इक्विपमेंट पर हम सब्सिडी दे दें तो निश्चित रूप से ज़्यादा ये मिलें यहाँ लगेंगी। तो इसलिए मेरी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2022 तक किसानों की आय कम से कम उनकी दुगनी कर दी जाए, उसमें ये बड़ी पहल होगी।